हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द प्रीवियस पेपर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विस। ये जो पेपर है दैट इज रेलेवेंट फॉर द क्लास एमकॉम सेमेस्टर फोर्थ, और इसका पीडीएफ जो है आपको मेरी ऐप एडिसम ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। एक्सटर्नल पेपर जो है ये 70 मार्क्स का होता है और इंटरनल जो होती है 30 मार्क्स की होती है। तो यहाँ पे तीन सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए है, सेक्शन ए के अंदर 4 क्वेश्चन है जिसके अंदर से हमें 2 क्वेश्चन करना है। हर एक क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का है। व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल बैंक्स? एग्जामिन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिपॉजिट प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। तो इसी पेपर के साथ आई विल बी अटैचिंग द प्लेलिस्ट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विस। तो सारे ये क्वेश्चन जो है उनके आंसर्स आपको वहां पे मिल जाएगा। अगेन आई विल बी अपडेटिंग दिस जो पेपर है इसके क्वेश्चन आंसर, इसके जो आंसर है आई विल बी अपडेटिंग, ताकि आपको एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। What do you mean by commercial banks? Examine the different types of deposit products offered by the commercial bank. What do you mean by credit appraisal? What are the various credit appraisal techniques? Examine their significance. What do you mean by priority sector lending? ये question जो है that is very important. Almost हर exam के अंदर ये आते ही है. What are its objective? Examine the approach you would follow for the management of priority sector lending. What do you mean by the distribution channel of banking? Explain the salient features of different distribution channel of banking. तो यहाँ पे आपको दो question करने हैं. अब हम चलते हैं section बी के अंदर। सेक्शन बी के अंदर अगेन देयर आर 4 क्वेश्चन। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस? हाउ डज इंश्योरेंस हेल्प इन बिजनेस एंड जनरल वेलबींग ऑफ द सोसाइटी? हाउ हैज द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर अफेक्टेड द इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया? आर यू फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस? तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हर बार आ ही जाता है। Examine the legislative framework of insurance in India. What are its strengths and weaknesses? What are the different risk management practices in insurance sector? Are you satisfied with the practices? तो यहाँ पे section B के अंदर से भी हमने जो question करने हैं 2 question करने हैं। अब हम चलते हैं section C की तरफ, जहाँ पे 12 question है जिसके अंदर से हमने करने हैं 10 question, और हर एक question जो है 3 marks का है। तो जो short question है section C जो है that is very scoring. Attempt any 10 of the following: cash credit facility, फैक्टरिंग, टर्म लोन, टेलर मशीन, ऑनलाइन बैंकिंग, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, डबल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड कार्गो इंश्योरेंस।